ये जो है ऊपर से आकर के छत के ऊपर ही गिर गया। हेलो गाइस, मैं हूं अमित। गाइस, आज हमारे पास में है एक ऐसा पटाखा जिसके अंदर से निकलता है पैराशूट। जी हाँ दोस्तों, ये जो है ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद में गिरता नहीं है, उसके बाद में बहुत ही स्वैग के साथ में पैराशूट जो है वो लग करके धीरे 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 जो है नीचे आता है। तो हम लोग जो है आपको इसको खोल कर दिखाएंगे कि पैराशूट पटाखे के अंदर क्या होता है, और साथ में चलाकर भी दिखाएंगे कि किस तरीके से वो जो है नीचे आता है। दोस्तों ये जो है बहुत ही कमाल का पटाखा है, तो प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा वीडियो के लिए। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारा पैराशूट पटाखा, और ये वाला जो पटाखा है ना भाई, ये है मुर्गा छाप ब्रांड का, यानी कि एकदम ओरिजिनल है। यहाँ पे लिखा हुआ है पैराशूट, आप देख सकते हैं नाइट आउट मिनी साइज ये जो है लिखा हुआ है, और भाई पीछे की तरफ देखे तो कुछ नहीं है, और काफी अच्छी पैकेजिंग में मैं कहूंगा कि ये आता है। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो पन्नी है उसको हटाते हैं, और एक पॉलीथीन सी लगी हुई है कुछ, जी आप देखिए कुछ इस तरीके की, और इसके अंदर जो पटाखा है वो रखा हुआ है। मेरे हिसाब से इसमें तीन पीसेस हैं, जी बिल्कुल थ्री पीसेस लिखा हुआ है। सो लेट्स ओपन इट एंड सी व्हाट इज इनसाइड। सो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक स्टैंड रखा हुआ है, जिसके अंदर मेरे हिसाब से कुछ ऐसे लग जाता है, और देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और यहाँ से जो है ये हिलने वाला भी नहीं है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर एक वार्निंग भी लगी हुई है दोस्तों इस पर, डू नॉट होल्ड इन हैंड, प्लेस ऑन लेवल सरफेस, लाइट फ्यूज विद लेंदी लाइट एंड स्पार्कल एंड गेट अवे, यानी कि भाई आग लगा के दूर भाग जाओ और हाथ में मत पकड़ना कुल मिला के। तो तीन पीसेस हैं, सबसे पहले इनको साइड में रखते हैं और एक जो पीस है उसको रखते हैं यहाँ पर, और इसको जो है खोलते हैं। खोलने के लिए हमारे पास में कैंची है, पेपर कटर है, और इतना बड़ा हथियार भी है जिससे इतनी भी यूज पड़ेगी, हम इसको खोलेंगे। ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का एक ढक्कन हम कह सकते हैं, और उसके नीचे भी कोई चीज़ है यार, यहाँ पर आप देखिए अंदर है कुछ। तो भाई कुछ इस तरीके की कटोरी निकली है इसमें गत्ते की, ये है दूसरी कटोरी, और इसके अंदर एक कटोरी और है, अभी पकड़ने नहीं आ रहा भैया, अभी भी नहीं आ रहा, अब आ गई। और भाई तीन कटोरी निकालने के बाद में अब कुछ जो है बहुत मज़ेदार इसके अंदर दिख रहा है मुझे, एक गोल गोल सी चीज़ है, तो इसको भी बाहर निकाल लेता हूँ भाई थोड़ी कोशिश करके। और दोस्तों ये जो पटाखा है ना काफ़ी ज़्यादा महंगा है, स्काई शॉट जो होता है वो जनरली 80 या 100 रुपए का इस साइज़ का आता है, लेकिन ये जो है मेरे हिसाब से लगभग 200 रुपए के आसपास में एक पीस होगा, मुझे एग्जैक्टली तो खैर याद नहीं है, आपके वहाँ कितने का मिलता है, अगर मिलता है तो मुझे बताइएगा। तो भाई ये जो पटाखा है बाहर आ नहीं रहा, इसलिए हमको जो है इसे भी काटना पड़ेगा, और इसको आर पार कुछ इस तरीके से हम लोग काट देंगे इस पेपर कटर से। और भाई इसका जो आउटर शेल है वो हद से ज़्यादा टफ है, और भाई मुर्गा छाप का पटाखा है, होगा भी क्यों नहीं। और भाई ये जो है खुलने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ पर जो है भाई पटाखा आ गया है आप लोगों के सामने, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बहुत बड़े साइज का पटाखा है, लेकिन वेट इसका काफ़ी कम है, तो पैराशूट होगा हमारा शायद इसी के अंदर। और साथ ही साथ में नीचे है दोस्तों बहुत सारी बारूद ब्लैक कलर की, जो कि मैंने अपने हाथ में ले ली है, और इसको नीचे रखूँ तो भी आप देख सकते हैं कितनी सारी है। तो भाई बारूद को हटाते हैं साइड में, और हमारा जो पैराशूट वाला हिस्सा है इसको खोलते हैं हम क्योंकि इसको नहीं खोलेंगे तो पता ही नहीं लगेगा कि अंदर क्या है। और भाई मैं जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार इसके अंदर की चीज़ देखने के लिए, किस तरीके का पैराशूट है। एक्चुअली मैंने भी इस पटाखे को कभी चलाया नहीं है, तो यहाँ पर ये खुल चुका है, और भाई इसके अंदर एक वास्तव का पैराशूट और रस्सियाँ मुझे दिख रही है, नीचे बारूद है आप लोग देखो, है ना कुछ इस तरीके की, यानी ऊपर जा करके फटेगा, और भाई किस तरीके के दाने हैं यार, एकदम टाइट जो है कठोर हैं सारे दाने यार इसके अंदर तो वास्तव में कमाल की चीज़ है, और ऊपर रखा हुआ है पैराशूट, भाई यार मज़ा आ गया इस पटाखे को खोलने में। और साथ ही साथ में यहाँ पे एक पटाखा और भी है जो कि फटने वाला है, ये क्या है, ये हो सकता है एक पटाखा ना हो, एक वेट भी हो सकता है, लेकिन इसमें बारूद है, चलो ये तो चलाकर ही पता लगेगा कि कैसा चलता है ये, लेकिन आप लोग देख सकते हैं नीचे भी कुछ इस तरीके का है, और भाई यहाँ पर है हमारा पैराशूट तो ये जो है एक पन्नी है, और नीचे जो है कुछ इस तरीके का शेप है, आप देखिए यार
एकदम पैराशूट जैसा लगता है। भाई यार क्या चीज है, इतनी सी चीज में सब कुछ फिट करके दे दिया। इस पटाखे के अंदर है ये सब कुछ यार, मिनी पैराशूट इसके अंदर इन्होंने दिया हुआ है। और कितना हिसाब से बांधा हुआ, अगर मैं ऐसे छोड़ूं तो क्या होगा देखें। एक बार मैं छोड़ता हूं कि ये गिरेगा या नहीं गिरेगा, ठीक है। और भाई वास्तव में जितना ये नॉर्मली गिरता उससे काफी स्लो गिरा है, आप लोग देखिएगा। तो अब जो है इस पटाखे को चलाकर आपको दिखाते हैं किस तरीके का चलता है बिना इसके गिराऊं। इसको देखो कितना जल्दी गिरता है, जबकि ये वाला जो हिस्सा है ये बहुत आराम आराम से नीचे आता है पैराशूट की तरह। तो अब चलाकर इसको देखते हैं। भाई सबसे मजेदार पटाखा मुझे ये जो है लगा है। आग लग चुकी है, और भाई मुझे लगता है कि हमारा जो पैराशूट है वो सही से खुला ही नहीं है, या फिर खुला था तो भी ये जो ऊपर से आकर के छत के ऊपर ही गिर गया। थोड़ा स्लो जरूर आया था, लेकिन फिर भी देखो यार क्या कमाल चीजें। एक और है हमारे पास में, उसको भी चला करके देखते हैं। तो भाई दूसरे वाले पे आग लगाते हैं और देखते हैं कि ये वाला कितना कामयाब होता है। पटाख गया ऊपर, चल रहा है, पैराशूट दिख रहा है, काफी बढ़िया से गिरा भी है इस बार। तो भैया आप लोग देखो पैराशूट दिख रहा है, काफी बढ़िया से गिरा भी है इस बार। तो भैया आप लोग देखो से गिरा भी है इस बार। तो भैया आप लोग देखो और जो पैराशूट है वो पटाखे को लेकर नीचे गिर गया। और दोस्तों इस बार वास्तव में मजा आया है यार, इस बार काफी टाइम भी इसने लिया और यार बहुत मजेदार पटाखा है एक्चुअली में। तो भाई आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आया तो प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और अगर आपको और मजा चाहिए तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस और अपलोडेड हैं और टाइम टू टाइम नई वीडियोस भी आती रहती हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी है वो भी दबा लीजिए। तो भाई चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।